स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं देसी स्टाइल में कैसे चाउमीन बनाता है वो दिखाने जा रही हूँ। वैसे तो चाइनीज स्टाइल में सभी ने खाए होंगे, आज मैं लेके आई हूँ देसी स्टाइल में या इंडियन स्टाइल बोले। चलिए देखते हैं देसी स्टाइल में कैसे बनता है चाउमीन। चलते चलते आप देख रहे हैं दीपक किचन, और जो कोई भी नए हैं प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। अभी यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया था पहले ही, मैं डाल रही हूँ। ये बॉईल हुआ था पहले ही बॉईल करके रखी थी मैंने। अभी मैं चाउमीन डाल रही हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा बॉईल करके रखने से पानी। दो मिनट के बाद हो जाएगा वो बॉईल। देखिए हो रहा है, और यहाँ पे मैंने 1 स्पून ऑयल डाला हुआ है ताकि कढ़ाई में चिपके ना चाउमीन। आप लोग डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते, ये ऑप्शनल है। देखिए ये रेड बन के रेडी हो गया है, अच्छा से टूट रहा है। अब इसको पानी से धो लेंगे ठंडे पानी से और साइड में रख देंगे। यहाँ पे कढ़ाई बैठा दी हूँ मैंने और तेल डाल रही हूँ। थोड़ा सा तेल डाल लीजिए आप अपना हिसाब से। गैस हाई फ्लेम में रखा हुआ है, गरम हो गया तेल। प्याज डाल रही हूँ क्योंकि पहले से ही प्याज काट के रखा हुआ था मैंने। अभी यहाँ पे मिर्ची डालेंगे जो कि मैंने पहले से काट के रखा हुआ था। अभी इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने देंगे अच्छी तरह से फ्राई करके। अभी इसमें ब्राउन कलर आने लगा है, अभी हम लोग डालेंगे टमाटर जो कि कट के रखा हुआ था मैंने पहले ही। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक, इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक टमाटर गल नहीं जाए। टमाटर गल के रेडी है फ्राई होके। अभी हम डालेंगे बंदा गोभी जो कि मैंने ऑलरेडी काट के रखा हुआ था। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सबको। और इसको लो फ्लेम में पकाना है। देखिए मैं लो फ्लेम में पका रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। इसको बीच बीच में मिक्स करते रहना चाहिए ताकि वो चिपक ना जाए। गोभी फ्राई होके रेडी है, अब इसमें चाउमीन डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स होके रेडी है, अब डालेंगे सोया सॉस 2 से 3 चम्मच। अब सोया सॉस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हाई फ्लेम करके मिक्स करेंगे 1 मिनट तक। अभी ये चाउमीन रेडी है, और आप लोग भी बना के ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसे बनता है। बाय बाय।